अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपके साथ जो है खड़ी मूंग की रेसिपी जो है शेयर करने वाली हूँ। साबित मूंग की रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है और बहुत ही कम मसालों में बन के ये रेडी होती है और बनती भी बहुत टेस्टी है। ये बिल्कुल ही सिंपल रेसिपी है, इसको बहुत आसानी से कोई भी बना सकता है, बिगिनर भी इसको आसानी से बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह कुछ भी नहीं पड़ता है, ये सिर्फ प्याज मिर्ची और जीरे से बन के तैयार होती है और बहुत बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। अगर आप अपने घर पे इसको ट्राई करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कितनी सिंपल रेसिपी है और कितनी टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, हमेशा की तरह रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले और मुफ्त पहुँच सके। तो दोस्तों चलिए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, खड़ी मूंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो है ये अखा मूंग ली थी, इस तरह से साबित मूंग ली थी। इसको रात में मैंने फूलने के लिए रख दिया था और सुबह इसका मैंने पानी निथार के इसको अच्छी तरह से कपड़े में लपेट के रख दिया था। और साथ ही मैंने यहाँ पे एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, इसको रफली चॉप कर लिया है और 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली है। चलिए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में जो है ऑयल अच्छी तरह से हीट कर लिया, गरम कर लिया है। अब हम इस कढ़ाई में धनिया ऐड करेंगे, सॉरी जीरा ऐड करेंगे, साथ में जो काट के रखी थी मैंने हरी प्याज और हरी मिर्च। देखिए प्याज अच्छे से हो चुकी थी, सब हो चुका था। अब हम इसमें जो है साबित मूंग जो है ऐड कर देंगे। मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड की है, लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने इसमें, जीरा डाला है, प्याज और थोड़ी सी हल्दी मैं इसमें ऐड कर। फ्रेंड्स, बहुत कम मसालों में, बहुत कम चीज़ों में ये बनकर तैयार होता है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है मगर बहुत टेस्टी लगती है खाने में। आई होप आपको हमें सबको ये बहुत पसंद आएगी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया काट के मिलाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके जो है 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह, जब तक ये जो हमारी पूरी साबित मूंग है अच्छी तरह से गल ना जाए, उसको ढक के रख देंगे। इसमें हमको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं। और जो ये साबित मूंग है इस तरह से हमारे पके हैं, थोड़ा हम टेस्ट करेंगे ये पके है या नहीं। तो अभी थोड़े कच्चे हैं ये, इसको हम और 5 मिनट तक अच्छी तरह लोग फ्लेम पे पकाएंगे। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए और ढककर रख दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा अगर आप ये ट्राई करेंगे तो कैसी बनी है, आपको कैसी लगी। आई होप आप लोगों को ये बहुत पसंद आएंगी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और हाँ दोस्तों, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।